पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जताई जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही साथ सुमित्रा महाजन और ओम माथुर के नामों की भी चर्चा सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ दिन पहले पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं और इसके बाद से महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। जयंत पाटिल ने कहा है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को टालने के लिए ही शरद पवार ने फडणवीस और अजित पवार के शपथ समारोह का खेल रचा था। वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने इस पर हमेशा के लिए चुप्पी साधने की बात दोहराते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जयंत पाटिल के बयान पर पलटवार करते हुए शरद पवार की तुलना शकुनी मामा से की है। बावनकुले ने कहा कि शरद पवार ने सियासत की लड़ाई में अपने ही परिवार के सदस्य को बलि का बकरा बना डाला। हालांकि बावनकुले ने जयंत पाटिल के बयान पर आशंका भी जाहिर की है। बावनकुले का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जयंत पाटिल की बयानबाजी पर सफाई देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर द्वारा शरद पवार के बारे में की गई बयानबाजी से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को भाजपा का आदमी बताया था। प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के कहने पर ही किया गया था। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रकाश अंबेडकर को नसीहत देते हुए बेतुकी बयानबाजी न करने की बात कही है। जवाब में पलटवार करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यदि यही बात उद्धव ठाकरे ने कही होती तो वे मान जाते। कहा जा रहा है कि संजय राउत और प्रकाश अंबेडकर के बीच शुरू हुई इस तनातनी से वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना के बीच हुए गठजोड़ में खटास बढ़ सकती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर में जाकर उन्हें चुनौती दी है। शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिवंगत नेता आनंद दिघे की जयंती के अवसर पर उद्धव ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं उन्होंने खुद को बेचना पसंद किया, लेकिन सच्चे शिवसैनिक अब भी हमारे साथ हैं। संभाजी राजे छत्रपति और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संभाजी राजे ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। इस मुलाकात के बाद संभाजी राजे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की काफी तारीफ की है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। शिंदे ने कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के विषय में बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। पुणे की रेलवे पुलिस ने अनिल कुमार उपाध्याय नाम के व्यक्ति को एक विदेशी पिस्तौल और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि पकड़ा गया व्यक्ति श्याम मानव की हत्या के इरादे से नागपुर जा रहा था। गिरफ्तार किया गया शख्स गुजरात का रहने वाला है और उसके पास से 1 लैपटॉप सहित 3.5 लाख रुपए मिले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भिवंडी इलाके में आज सुबह एक इमारत का आधा हिस्सा गिरने से 25 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम माजिद अंसारी बताया गया है। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के चलते निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते निवेशकों को एक ट्रेडिंग सेशन में 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर है। दरअसल अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है।